हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केसीपी लिमिटेड की। दोस्तों, यहां पे आज केसीपी लिमिटेड के बात करने के क्या वजह है और यहां पे केसीपी लिमिटेड कंपनी के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस क्यों हूं, क्योंकि यहां पे आने वाले समय में इस स्टॉक के ऊपर एक तरह से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नज़र आ रहा है और आने वाले समय में यह स्टॉक एक तरह से महा मल्टीबैगर स्टॉक बनता हुआ नज़र आ सकता है। क्योंकि यहां पे बेसिकली एक कंपनी है जो बेसिकली कहीं ना कहीं से लिंक है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और केसीपी लिमिटेड के अंदर एक तरह से एक अच्छी रैली देखने को मिला प्रीवियस सेशन में। बीते 5 डेज के अंदर अंदर आप देखोगे तो 35% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। तो मुझे लगता है कि अभी भी एक बहुत शानदार मौका है इस कंपनी के अंदर एंट्री करने का और यहाँ पे एक तरह से एक अच्छी बाइंग करने का और एक अच्छा प्रॉफिट कमाने का। लेकिन दोस्तों, मेरी तरफ से किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे वीडियो का स्टार्ट करें उससे पहले यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाला अपडेट यहाँ पे आपको मिलता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, यहाँ पे केसीपी लिमिटेड की बात करने के मेरा मेन जो वजह है, बेसिकली यहाँ पे आप मैं गूगल मैप पे जाना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ कि जो बेसिकली आपको यहाँ पे आपको अमरावती बेसिकली आपको जगह देखने को गुंटूर और विजयवाड़ा के पास यहाँ पे अमरावती एक सिटी बन रही है। एक तरह से मतलब विकसित सिटी अभी तो नहीं है, लेकिन हैदराबाद जैसी यहाँ पे आपको पता होगा कि बेसिकली पहले जो आंध्र प्रदेश है वो यहाँ पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही साथ था और उसके बाद में ये दोनों अलग अलग एक राज्य बन गया। तेलंगाना हैदराबाद में चला गया, मतलब हैदराबाद तेलंगाना में चला गया, तेलंगाना एक स्टेट हो गया और यहाँ पे हैदराबाद उसके अंदर ये सिटी चली गई, जो बेसिकली पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हुआ करता था। और यहाँ पे बेसिकली आंध्र प्रदेश जब अलग हो गया तो हैदराबाद जैसी सिटी एक बनाने की यहाँ पे एक तरह से जो राज्य सरकार होती है यहाँ पे वो यहाँ पे चाह रहे थे कि अमरावती को बेसिकली यहाँ पे विकसित किया जाए और यहाँ पे एक तरह से बनाया जाए उसी तरीके का हैदराबाद जैसा एक सिटी। लेकिन यहाँ पे अभी तक ये पॉसिबल नहीं हो पाया और यहाँ पे गुंटूर, यहाँ पे विजयवाड़ा और गुंटूर भी सिटी आपको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे अमरावती को यहाँ पे डेवलप करना चाहती है यहाँ पे राज्य सरकार। जो बेसिकली यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बात करने वाला हूँ, तो यहाँ पे केसीपी लिमिटेड जो कंपनी है जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है और यहाँ पे शुगर सीमेंट ये सब सारी चीज़ों से रिलेटेड काम करती हुई नज़र आती है बेसिकली। तो यहाँ पे इस कंपनी को ज़्यादा फायदा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो नायडू साहब का यहाँ पे अभी के टाइम पे आप देखोगे तो उनकी सरकार बनती हुई नज़र आई है और यहाँ पे जैसे कि जो चंद्रबाबू नायडू हैं जिन जो TDP को एक भारी बहुमत मिलता हुआ नज़र आया है आंध्र प्रदेश के अंदर। और यहाँ पे KCP स्टॉक उसी से रिलेटेड है क्योंकि KCP जो कंपनी है चंद्रबाबू नायडू के काफ़ी नज़दीकी मानी जाती है ये कंपनी और यहाँ पे उनके एक तरह से इस कंपनी से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि रिलेशन अच्छा है और यहाँ पे इस कंपनी को ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्यों फायदा होने वाला है, इसका मेन रीज़न यहाँ ये कि अमरावती को यहाँ पे कंपनी को एक तरह से अमरावती को डेवलप करना है, जिसकी वजह से यहाँ पे इनको कंस्ट्रक्शन में इनकी बहुत ज़्यादा KCP की रिक्वायरमेंट होगी और वो रिक्वायरमेंट KCP फुलफिल करती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ पे एक तरह से सीमेंट और की कंपनी है और कंस्ट्रक्शन जितने भी यहाँ पे डेवलपमेंट होंगे वो यहाँ पे KCP को यहाँ पे फ़ायदा दिलाती हुई नज़र आ सकती है यहाँ की राज्य सरकार यानी चंद्रबाबू नायडू। तो दोस्तों, यहाँ पे KCP को यहाँ पे फ़ायदा होगा आंध्र प्रदेश के अंदर और यहाँ पे इसी वजह से KCP काफ़ी ज़्यादा फोकस में है क्योंकि यहाँ पे ये सीमेंट में काम करती, पावर में, हॉस्पिटलिटी में, शुगर एंड पावर, EPC में, शुगर, हैवी इंजीनियरिंग में, तो ये सब सारी चीज़ों से रिलेटेड काम करती हुई नज़र आती है KCP कंपनी। दोस्तों, अभी के टाइम पे अगर हम बात करें तो 80 साल पुरानी एक कंपनी है और यहाँ पे 80 साल ऑलरेडी, 4 बिजनेसेस यूनिट है इनके अलग अलग, 7 प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं, 2000+ लोग
काम करते हैं इस कंपनी के अंदर, आप 50 प्लस अवार्ड्स आपको देखने को मिलते हैं इस कंपनी के अंदर। दोस्तों यहाँ पे केसीपी को फायदा कहाँ पे होगा, अमरावती को अगर एक डेवलप्ड सिटी बनाया जाएगा, एक अच्छी हैदराबाद जैसी सिटी बनाया जाएगा अमरावती को, तो यहाँ पे सीमेंट की सबसे ज़्यादा जरूरत होगी जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में यूज होगा, और यहाँ पे केसीपी इस एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट को लेती हुई नज़र आ सकती है, और यहाँ के जो डेवलपमेंट में यहाँ पे सीमेंट की जितनी भी जरूरत होगा उसको मोस्टली फुलफिल केसीपी करती हुई नज़र आ सकती है, जिससे केसीपी को एक बड़ा फायदा होता हुआ नज़र आएगा। साथ में अगर हम पावर की बात करें तो पावर की भी यहाँ पे सप्लाई है जो यहाँ पे केसीपी करती हुई नज़र आ सकती है, जो यहाँ पे एक तरह से इनकी एक तरह से काफ़ी ज़्यादा फायदा केसीपी को होता हुआ दिख सकता है आने वाले समय में। दोस्तों अगर हम बात करें तो कंपनी के जो Q4 क्वार्टर का रिजल्ट आया था केसीपी का, वो भी काफ़ी शानदार देखने को मिला था, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे केसीपी लिमिटेड जो बेसिकली 6 मंथ के अंदर अंदर 72% का रिटर्न दे चुकी है ऑलरेडी कंपनी, एक साल की अगर हम बात करें तो 133%, और एक नया ब्रेकआउट देती हुई नजर आई है, 220 रुपये का क्रॉस करके ऊपर निकल चुकी है शेयर, यानी इस स्टॉक में एक बहुत तगड़ी रैली मिलने वाला है, और यहाँ पे कंपनी को एक तरह से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रिडिक्शन लगा रहे हैं इन्वेस्टर, सोच रहे हैं कि यहाँ पे स्टॉक के ऊपर अधिक से अधिक बाइंग किया जाए, और इनकी शेयर की काफ़ी डिमांड भी देखने को अभी के टाइम पर मिल रहा है। दोस्तों 5 ईयर्स में 180% का रिटर्न दिया है, और मैक्सिमम रिटर्न की अगर हम बात करें तो 8,306% का रिटर्न देखने को मिल रहा है केसीपी लिमिटेड का, और केसीपी लिमिटेड की अगर हम बात करें तो यहां पे कंपनी की जो मार्केट कैप है फिलहाल 3,211 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो आप यहां पे देख सकते हैं 17 के पी पे ट्रेड कर रही है, तो अभी भी स्टॉक बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर यहां से इस स्टॉक की तो ऑलरेडी डिमांड है ही, अगर अपने इंडस्ट्री पी के पे भी जाते तो 50% रिटर्न तो दे ही देगा एटलीस्ट, अगर हम बात करें तो कम से कम यहां पे 50% का रिटर्न दे सकती है कंपनी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कंपनी की तो बुक वैल्यू 109 रुपया का है, और यहाँ पे ईपीएस 14.60 रुपया का जनरेट कर रही है, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी ईपीएस भी जनरेट कर रही है कंपनी। यहाँ पे रिजर्व भी इनके पास 1,397 करोड़ का है, और यहाँ पे डेप्ट की बात करें तो 480 करोड़ का देखने को मिल रहा है, तो डेप्ट इक्विटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.34% का यहाँ पे डेप्ट इक्विटी देखने को मिल रहा है। कंपनी अगर आप देखोगे बेसिकली डिविडेंड भी देती है कंपनी, पेट्रोस्की स्कोर भी 8 का है, और ग्राहम नंबर प्राइस 190 का है, तो 190 रुपये से बहुत ज़्यादा अभी हाई पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे FIS एंड DIS की भी होल्डिंग देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिसेंटली मार्च क्वार्टर में यहाँ पे FIS है जो बिकवाली करते हुए नजर आए, लेकिन DIS बड़ी अच्छे से खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे कम होती हुई नजर आई है। तो यहाँ पे एक तरह से इस स्टॉक के ऊपर एकदम फोकस बना के रखना है दोस्तों, और ये स्टॉक में एक अच्छी रैली और भी देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे एक बड़ा मुनाफा कमाने का मौका है। कंपनी Q4 क्वार्टर के रिजल्ट्स यहाँ पे खराब नहीं दिए है, आप ये भी देख सकते हैं कि कंपनी ने Q4 क्वार्टर का रिजल्ट बहुत तगड़ा दिया है, और आने वाले 5 सालों के अंदर एक तरह से महा मल्टीवैगर स्टॉक बनता हुआ केसीपी लिमिटेड नजर आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 56 करोड़ से सीधा 85 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, 15% से मार्जिन बढ़ के 18% मार्जिन हो गया है, 598 करोड़ से सेल्स बढ़ के 625 करोड़ हो गया, तो कंपनी का ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे बैलेंस शीट भी, तो बैलेंस शीट भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, तो कंपनी छोटी है लेकिन यहाँ पे इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे बस इतना ही इस वीडियो में, लेकिन कहीं पे जाइएगा नहीं यहाँ पे वीडियो को लाइक किए बिना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर एक लोग इस कंपनी के अंदर फायदा उठा सके। और दोस्तों यहाँ पे मेरे तरफ से किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं होता है, आप खुद एनालिसिस करो और चीज़ों को समझो, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करना। दोस्तों यहाँ पे बस इतना ही इस वीडियो में, मेरे तरफ से इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें कि मैं डायरेक्ट किसी भी चीज़ का रिकमेंड नहीं करता कि आप इसमें जाओ बाय कर लो और होल्ड करो लंबे समय तक, लेकिन मुझे जो लग रहा है मैं अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि केसीपी आने वाला 5 साल के अंदर अंदर 1,000 रुपये क्रॉस दिखेगा दोस्तों। तो बस मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।